मई महीने की भक्ति का तीसरा दिन, कुंवारी मरिया का निष्कलंक गर्भागमन। संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि के पश्चात शैतान के बहकावे में आने के कारण हेवा के मन में अहंकार छा गया। इस कारण उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिससे संसार में पाप का आगमन हो गया तथा आदिकाल से मानव पाप के दलदल में डूबा रहा। इस मानव मुक्ति योजना हेतु करुणासागर पिता परमेश्वर की इच्छा थी कि शरीर धारण के पहले पूर्व नियोजित क्रिस्त की माता स्वतंत्रता पूर्वक इस पावन कार्य को स्वीकार करे, क्योंकि यह उचित था कि जैसे हेवा ने इस संसार में मृत्यु लाने में हाथ बटाया, उसी प्रकार दूसरी स्त्री उसे पुनः जीवन प्रदान करने में सहयोग दे। यह उत्कृष्ट रूप से यीशु की माता मरिया में हुआ, जिन्होंने इस संसार के सृष्टिकर्ता एवं जीवनदाता को जन्म दिया, और वह इस महान कार्य हेतु परमेश्वर की ओर से सब वरदानों से संपन्न हुई। इस कारण कलीसिया मरिया को ईश की माता तथा निष्कलंक मानती है। 8 दिसंबर को माता मरिया के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाते हैं। माता मरिया ईश्वर की महिमा गाते हुए कहती हैं, परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार जन्म के पहले से ही मुझे चुन लिया है। 8 दिसंबर 1854 को संत पापा पियूस 9 ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यह घोषणा की, माता मरिया अपने परमप्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के पुण्य फलों द्वारा आदि पाप रहित अपनी माता के गर्भ में धारण की गई, अतः वह जीवन भर निष्पाप रही। यह सिद्धांत कैथलिक कलीसिया में महत्वपूर्ण है, जिसे कैथलिक कलीसिया अटूट विश्वास से मानती है। दृष्टांत संत जॉन बर्कमंस मरिया के निष्कलंक गर्भागमन पर मनन चिंतन किया करते थे। बाल्यावस्था से ही यह उसका नियम बन गया था, फलस्वरूप उसे ईश्वरीय बुलाहट प्राप्त हुई। उसने स्वयं का जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। उसकी आत्मा की सुंदरता उसके मुखमंडल पर झलकती थी। वह मरिया का परम भक्त था। उसने अपने खून से यह लिख दिया था कि ईश्वर ने धन्य माता मरिया को निष्कलंक जन्म दिया है। माता मरिया उसकी श्रद्धा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने भक्त को तुरंत स्वर्ग में बुला लिया। मृत्यु के समय भी वह रोजरी माला थामे हुए तथा प्रार्थना करते हुए उसने अपनी आत्मा मरिया के कर कमलों में सौंप दी। प्रार्थना। मेरे जीवन के शक्ति स्वरूप प्रभु यीशु, तू जीवन भर मेरा हाथ थाम कर मेरे जीवन का संचालय करता है। परम पिता ने मुझे जता दिया है कि तेरा हाथ ग्रहण करने से ही मेरी उन्नति होगी। भले प्रभु तेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की कृपा इस संसार की अपनी समस्त संतानों को दे। माता मरिया हमारी सहायता करे। आमीन। याचक आकर तेरे